नमस्ते नमस्ते बच्चों, कैन यू म्यूट योर ऑडियो मीडियस, वेरी डिस्टर्बेंस, थैंक यू। लास्ट क्लास में हमने एक नया चैप्टर डिस्कस किया था ना, चैप्टर का क्या नाम है? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये पार्ट का पहला पेज हम फिनिश किया। पहला पेज में फर्स्ट टू पैराग्राफ जस्ट ओनली फॉर रीडिंग। थर्ड पैराग्राफ में हमने कुछ देखा, कुछ इम्पोर्टेंट वो नमस्ते या नमस्कार भारत में ग्रीटिंग्स का एक ओल्ड तरीका है, एक ओल्ड रीति है। देन हमने देखा जिस प्रकार तुम्हारे हम हाय या हेलो स्पेन में क्या है, जापान में अरिगातो, और थाईलैंड में स्वाधिका नाम से ये हमारा नमस्ते या नमस्कार प्रचलित है। यह वेदों हमारा वेद हमारे ऋग्वेद में भी हमारा ये नमस्ते के बारे में कहता है, ओनली दैट। नेक्स्ट वी कैन मूव टू द फर्स्ट पेज का लास्ट लाइन, ओके? ऑल ऑफ लिसन कैपिटल माय डियर। मैम कैन यू प्लीज शेयर द स्क्रीन? या श्योर, दैट आई विल। ओके लिसन, नमस्ते संस्कृत के नमा तथा ते शब्दों को मिलाकर, नमा अस तथा ते, विल शेयर द पेज सो यू कैन सी हियर। माय डियर्स प्लीज म्यूट योर ऑडियो, अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट। या देखिए लास्ट पैराग्राफ, लास्ट वन हमने देखा, नमस्ते संस्कृत के समोरा जॉइन कृष्ण कृपा। नमस्ते संस्कृत के, संस्कृत माने संस्कृत, राइट? संस्कृत है, हाँ। हमारा सूरजा ने बताया ना लास्ट क्लास में, हमारा नमस्ते, शी स्टडीड इन संस्कृत। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संस्कृत? नम अस तथा ते, नम प्रणाम, ते मीन्स है, ते मीन्स गॉड। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अस? मैम बहुवचन, इट इज बहुवचन ऑफ लकार, इट्स अ बहुवचन, मींस इट्स अ विभक्ति, विभक्ति, जस्ट विभक्ति, और इसमें कोई अर्थ नहीं है। लकार, मैम कैन यू रिपीट इट वंस मोर? या श्योर श्योर, आई एम गोइंग टू लिसन। नमस्ते संस्कृत के नम अस तथा ते, नमस्ते, ओके लिसन बच्चों केयरफुली। नमस्ते, नमस्ते हम त्रि विभागों में स्प्लिट किया है हम ये वर्ड को, नमस्ते, नम अस ते, सेपरेट है थ्री, तो थ्री के लिए एक एक शब्द है, एक एक मीनिंग है, वो क्या है देखिए। नम, नम अस तथा ते शब्दों को मिलाकर बना है, नमस्ते शब्द, नम अस तथा से शब्दों को मिलाकर, क्या है मिलाकर? टुगेदर, जॉइन टुगेदर, हाँ जॉइन टुगेदर, जॉइन टुगेदर, जॉइन टुगेदर बना है। तो नमस्ते त्री भागों में विभाजित है संस्कृत में, वो नम अस तथा से, ओके? सो वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज है बैलेंस, सो आई एम मूविंग टू नेक्स्ट। तो अब बच्चों देखिए पेज में क्या है, ओनली सिंपल चैप्टर है हमारा, ये चैप्टर वेरी सिंपल, जैसा आपको बताना चाहिए कैसे है हमारा वो क्या है हमारा वो ग्रीटिंग्स, एक एक प्लेस में, एक एक कंट्री में कैसा है क्या। नमा, नमा शब्द का अर्थ है नमन या प्रणाम, दूसरों को प्रणाम करते हैं ना, वो प्रणाम। देन सेकेंड वर्ड अस, इट्स कोई प्रणाम, इंग्लिश मीनिंग, इट्स
क्या है, हम प्रणाम करते हैं ना, हमारा हाथ इस प्रकार जोड़कर ग्रीटिंग देना, प्रणाम करना में हम हमारा हाथ जोड़कर प्रणाम कर, प्रणाम हम मलयालमी से प्रणाम के, तो हम इंग्लिश में भी ग्रीटिंग्स नमस्ते या प्रणाम नमन नमन इस नमस्ते। सेकंड वन अस, संस्कृत में विभक्ति का बहुवचन के लिए प्रत्यय रूप है। संस्कृत में हम इसे एक अस के लिए स्पेशल मीनिंग नहीं है, अस के लिए हम स्पेशल मीनिंग नहीं है। English, right? That, like that, they add this in Sanskrit. Yeah, correct. Very good. Very good. So, इस प्रकार है हमारे यहाँ कोई क्या है, हमारे यहाँ English में देखे तो क्या है, हमारे यहाँ हिंदी में है तो छोटा, या हमारे ये हिंदी में देखे तो explanation के लिए तो क्या है, बच्चा बच्चे, singular to plural, एक वचन से बहुवचन। इस प्रकार वो संस्कृत में अस इसे बहुवचन रूप है, तो हमारा अस के लिए वो स्पेशल मीनिंग नहीं है। नम का मीनिंग आपके मन में रखिए, इट्स प्रणाम। देन थर्ड वन से, से मींस उनको, उनको मींस या उनको इस ईश्वर के लिए है, दम नहीं है वहां, ईश्वर है, ओनली फॉर ईश्वर या गॉड। थे शब्द ये ईश्वर के लिए है, तो नमा शब्द का अर्थ है प्रणाम और ते शब्द का अर्थ है ईश्वर, वो ईश्वर के लिए। तो क्या है, मैं आप में विद्यमान ईश्वर को प्रणाम करता हूँ, मैं आप लोग मुझसे क्या है प्रणाम कहते हैं और क्या है नमस्ते कहते हैं, नमस्ते कहते समय क्या है, मैं आपको प्रणाम देता हूँ, मैं आपको आपके मन में आपको मैं क्या है आपके शरीर में मन में मैं एक ईश्वर को देखता हूँ, वो ईश्वर से प्रणाम करता हूँ, वो ही इसका मीन। मैम यस हम क्या नहीं से या मैम वी विल प्रे टू गॉड। यस यस आदित्य We will pray to God. हाँ, you will pray to God. That's good. Okay, देखिए, नमः शब्द का क्या अर्थ है बच्चों? प्रणाम। नमः means प्रणाम। अच्छा, आप छोड़ दीजिए, इसका मीनिंग आपके मन में नहीं रखना चाहिए। थर्ड वन थे माने ईश्वर और ईश्वर के लिए। हाँ, ईश्वर enough, ईश्वर। नमः means प्रणाम और थे means ईश्वर। Okay. क्या हमारा नमस्ते मींस अंडरलाइन द फर्स्ट वर्ड प्रणाम ईश्वर। हम ईश्वर को प्रणाम करता है, वो इसका सेंटेंस का मीनिंग। नमन मींस नमः मींस प्रणाम, हम ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। एक व्यक्ति को देखकर हम नमस्ते कहते हैं, तो उसका क्या अर्थ है देखिए, अर्थात मैं आप में विद्यमान, क्या है इसका वर्ड का मीनिंग क्या है मैम? इट मींस द गॉड इनसाइड यू। मींस आई ग्रीट द गॉड इनसाइड यू। राइट, द वर्ड एक्सिस्टिंग, विद्यमान। अंडरलाइन कीजिए बच्चों, आपके पास टेक्स्ट बुक है तो अंडरलाइन करना चाहिए। विद्यमान मींस एक्सिस्टिंग, आपके शरीर में आपके मन में एक्सिस्टिंग हुआ ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, ये है इसका मीनिंग। ओके, आपको मैं प्रणाम या विश करता हूँ, ओनली दैट। कैन यू म्यूट योर ऑडियो माय डियर, इट्स वेरी डिफिकल्ट, फ्रॉम वेयर द साउंड इज कमिंग, प्लीज। यस, नेक्स्ट माय डियर्स, एनीवन इज ट्रैवलिंग, don't unmute, okay? I will call you one by one. Then we can go to next. देखिए, John, भारतीय संस्कृति और वेदों के अनुसार प्रत्येक जीवनधारी या वस्तु में ईश्वर है।
बच्चों अंडरलाइन करके हर एक वर्ड का मीनिंग लिखना चाहिए। भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर, राइट द मीनिंग। भारतीय संस्कृति फर्स्ट लाइन है, इंडियन कल्चर, भारत, इंडियन कल्चर। और वेदों, वेदों माने वेदास, हमारा वेद। वेदों के अनुसार, अनुसार माने क्या है अनुसार? अकॉर्डिंग टू प्रत्येक जीवनधारी, प्रत्येक माने ईच, प्रत्येक माने ईच, प्रत्येक ईच। जीवनधारी माने जीवधारी, जीवधारी माने लिविंग, लिविंग बीइंग्स या लिविंग। या वस्तु, वस्तु माने थिंग्स, वस्तु कोई थिंग्स, जीवन नहीं है, ओनली थिंग, ऑब्जेक्ट या एनी ऑब्जेक्ट, लिविंग थिंग। हाँ, ले जीवधारी मीन्स लिविंग थिंग, वस्तु माने कोई थिंग, वहां जीवन नहीं है, ईश्वर है। तो क्या सेंटेंस का क्या मीनिंग है बच्चों, देखिए। हे जॉन, भारतीय संस्कृति और वेदों के अनुसार प्रत्येक जीवधारी या वस्तु में ईश्वर है। तो अकॉर्डिंग टू हमारा इंडियन कल्चर और हमारे वेदास, हर एक वस्तु में, हर एक लिविंग बीइंग्स में क्या है? ईश्वर है। हमारा ईश्वर सभी और है, हर एक वस्तु में है, हर एक लिविंग बीइंग्स में है, लिविंग थिंग्स में है। तो हमारा भारतीय संस्कृति या इंडियन कल्चर में और हमारा वेदांत में कहता है एवरीवेयर क्या है? ईश्वर है, ईश्वर है। एवरीवेयर क्या है? कौन है? ईश्वर है, गॉड, ईश्वर। वो जीवनदारी हो या वस्तु हो, लिविंग थिंग्स हो या ईश्वर है, हाँ वो कोई वस्तु है तो वहां क्या होगा? ईश्वर होगा। मूविंग टू नेक्स्ट लाइन, देखिए आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो स्क्रीन में देखिए। सेकंड लाइन, इसलिए सामने वाले व्यक्ति में भी हम ईश्वर की सत्ता मानते हैं। वेरी गुड सेंटेंस। इसलिए सो सामने वाले व्यक्ति, सामने वाले माने the person standing in front of you, yes, not in front, near, the person who are standing, what is the meaning? The person who are standing very near to us, सामने वाले व्यक्ति, हमारे पास, near, stand करने वाला व्यक्ति, those who are standing near to us, सामने वाले। Ma'am, what is the meaning of अर्थात? अर्थात? अर्थात। अर्थात, oh sorry. अर्थात is meaning. Means, okay. देखिए, तो क्या है वो सेंटेंस? इसलिए सामने वाले व्यक्ति में भी हम ईश्वर की सत्ता, अंडरलाइन कीजिए बच्चों, सत्ता माने पावर, पावर, सत्ता, थर्ड लाइन फर्स्ट वर्ड, सत्ता मानते हैं, सत्ता मानते हैं। सत्ता मीन्स पावर, पावर। इसलिए सामने वाले व्यक्ति में भी हम ईश्वर की सत्ता मानते हैं। तो क्या देखिए बच्चों, those who are standing near to us, that person also क्या है? That person के मन में भी क्या होगा? ईश्वर होगा, ईश्वर होगा। आपके पास बहुत सारे लोग होगा, आपके अम्मा अप्पा, एवरीवन होगा, हर एक व्यक्ति में कौन है बच्चों? ईश्वर है, ईश्वर, ओनली दैट। हर एक व्यक्ति में छोटा, वो छोटा एक बच्ची है तो भी वो बच्ची में भी कौन होगा? ईश्वर होगा, ईश्वर होगा। ओके, ईश्वर की सत्ता है, सत्ता माने पावर, पावर। ओके, आई मूव इनटू सेकंड नेक्स्ट लाइन। नमस्ते द्वारा उस व्यक्ति को विनम्रता से अभिवादन तो करते ही है। नमस्ते द्वारा क्या है? द्वारा बाय, थ्रू, थ्रू या बाय, थ्रू या बाय, बोथ आर करेक्ट, थ्रू या बाय। नमस्ते द्वारा उस व्यक्ति को विनम्रता, क्या है विनम्रता? डिलाइटली, वेरी गुड। विनम्रता से अभिवादन, अभिवादन करना मैंने हमने देखा ना, विशिंग, विशिंग, ग्रीटिंग, बोथ आर करेक्ट।
विनम्रता से अभिवादन अभिवादन मीन्स ग्रीटिंग ग्रीटिंग अभिवादन ग्रीटिंग देखिए बच्चों विनम्रता माने क्या है हमने डिस्कस किया था ना द्वारा मीन्स I will explain one more time. Listen. Dwara means through ya by. Both you can write. Vinamrata delightly. I'm delicately also write. No? Ah, yeah. Humility also we can. Abhivadan greeting. So, namaste dwara us vyakti ko vinamrata se abhivadan to karte hi na. तो हम नमस्ते कहते हैं एक व्यक्ति से तो हमारे क्या है वो हम ग्रीटिंग करते समय उस व्यक्ति क्या है उस व्यक्ति को विनम्रता से अभिवादन करते हैं हम ग्लैडली यस ग्लैडली हम अभिवादन करते हैं उस व्यक्ति को वेरी गुड है ना देन साथ ही उसमें निहित निहित माने क्या है कंजे द साथ माने विद अलोंग विद ओके साथ ही उसमें निहित निहित माने ऑलरेडी एक्जिस्टिंग या कंटेंट प्रेजेंट 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 आल्सो वी कैन निहित ईश्वर को भी प्रणाम करते हैं हम एक व्यक्ति को प्रणाम करते समय वो व्यक्ति में प्रेजेंट या निहित या देख वो ईश्वर प्रणाम करते हैं वेरी गुड मैम प्रणाम मीनिंग इज आल्सो ग्रीटिंग राइट ग्रीटिंग से हर एक वर्ड का मीनिंग ग्रीटिंग से क्योंकि हमारे इंग्लिश में ओनली वन वर्ड है इट इज ग्रीटिंग हमारे इंग्लिश में बहुत कुछ क्या है लेटर्स हमारे ये प्रणाम सब कुछ के लिए अभिवादन प्रणाम के लिए हम ग्रीटिंग कहते हैं इस प्रकार नमस्ते दुनिया बच्चों अंडरलाइन कीजिए डियर्स इस प्रकार वहां से अंडरलाइन करना चाहिए अंडरलाइन कीजिए अंडरलाइन फास्ट फास्ट इस प्रकार लास्ट टू लाइन इस प्रकार नमस्ते अंडरलाइन करना चाहिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस प्रकार नमस्ते दुनिया की सबसे छोटी और सरल प्रार्थना कही जा सकती है इस प्रकार मींस लाइक दिस माय कॉल हियर ओके इस प्रकार नमस्ते दुनिया की दुनिया माने वर्ल्ड की सबसे छोटी छोटी माने स्मॉलेस्ट और सरल सरल माने सिंपल प्रार्थना प्रेयर प्रेयर माने प्रेयर कही जाती है तो नमस्ते हमारे वर्ल्ड के सबसे स्मॉलेस्ट क्या है प्रेयर है ये नमस्ते शब्द हमारे वर्ल्ड के सबसे छोटा सबसे छोटी सबसे स्मॉलेस्ट प्रार्थना है कही जा सकती है जो एक ही शब्द में पूरी है क्या है it is meaningful in one word okay सिंगल वर्ड में पूरी है नमस्ते पूरी है इट्स अ प्रार्थना है ओके इन अ सिंगल वर्ड जो एक ही शब्द में पूरी है यस सो आई विल रीड दैट पैराग्राफ वन मोर टाइम आई एम गोइंग टू स्टॉप शेयर बच्चों बिकॉज आई वांट टू सी यू ऑल दैट्स व्हाई ओके आई विल रीड लिसन केयरफुली ऑल अर्थात हमने देखा नमस्ते शब्द का अर्थ नम मीन्स प्रणाम और थे मीन्स ईश्वर तो हम ईश्वर को प्रणाम करते हैं वो है समी अर्थात मीन्स मीनिंग अर्थात मैं आप में विद्यमान ईश्वर को प्रणाम करता हूँ जो भारतीय संस्कृति और वेदों के अनुसार
प्रत्येक जीवनदारी या वस्तु में ईश्वर है, इसलिए सामने वाले व्यक्ति में भी हम ईश्वर की सत्ता पावर मानते हैं। नमस्ते द्वारा उस व्यक्ति को विनम्रता से अभिवादन तो करते ही है, साथ ही उसमें निहित ईश्वर को भी प्रणाम करते हैं। इस प्रकार नमस्ते दुनिया की सबसे छोटी और सरल प्रार्थना कही जा सकती है, जो एक ही शब्द में पूरी है। बच्चों में रीड करना चाहिए अगर शायद पेज इफ यू डोंट हैव द टेक्स्ट बुक आई विल शेयर आप फर्स्ट आई विल कॉल नेहा यू हैव टेक्स्ट बुक डियर यस और नो नेहा कांट हियर यू आ देन रीड कीजिए बेटा वहां सेकंड पेज है ना अर्थात वहां से ओनली वन पेज यस अर्थात मैम अपने आप में विद्यमान इस ईश्वर को प्रणाम करता हूँ यस भारतीय संस्कृति का जीवनधारी या वस्तु में ईश्वर है इसलिए सामने वाले व्यक्ति में भी हम ईश्वर की सत्ता सत्ता मानते हैं या गुड डन इनफ डियर इनफ थैंक यू श्रीहरि कैन यू रीड योर टेक्स्ट बुक यू हैव I'm from the first paragraph. No. Third line onward. Third line. Textbook you have? Oh. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then read kiji beta. Namaste dwara. Namaste dwara. Us vinamrada se abhivadan to karte hai. Saath hi usme निहित ईश्वर का ईश्वर को भी प्रणाम करते हैं हम इस प्रकार नमस्ते दुनिया की सबसे छोटी और सरल कही जा सकती है जो एक ही शब्द में पूरी है थैंक यू सो मच श्रीहरि आई विल कॉल यू हियर सम चिल्ड्रन आर देयर नाइजल कैन यू रीड read कीजिए बेटा the same paragraph yes ma'am the first three lines ना yes tag कीजिए अर्थात वर ma'am हमारा वो 20 page number the same I don't know the same page number 28 I don't know maybe changes will be the where were you Nigel 28 में second paragraph अर्थात में आप में विद्यमान ईश्वर के प्रणाम करता हूँ जान भारतीय संस्कृति और वेदों के अनुसार प्रत्येक जीवनदारी या वस्तु में ईश्वर है Thank you so much. Uma, continue. इसलिए
सामने वाले व्यक्ति मेहंदी मेहंदी गांड ही और हम ईश्वर ईश्वर की I can hear. Read. Uma. Namaste Dwara, us vyakti ko vinamrata aur abhivadan to karte hi hai. Saath hi usme nihit Ishwar ke Ishwar ko bhi pranam karte hai. Thank you so much, dear. Thank you so much. Albert, continue. Is prakar. Only Albert can unmute. Others mute your audio. Somewhere from where it is coming. Alina muted. Okay. Read kijiye beta, Albert. I can't hear you, Albert. Albert. Now okay. Read kijiye beta. Is prakar. No, Albert. He's saying something, but. Albert, stop. Enough. Albert, some problem is there. We can't hear you. It's okay. Next class, I will call you. Okay. Milan, read kijiye. Is prakar, you have textbook, you have dear? Milan, can you hear me? Yes, ma'am. Milan, textbook you have? Yes, ma'am. Then read kijiye beta, first paragraph, second paragraph ka hamara aaj ka portion. Iska last, second last line. Is prakar? इस प्रकार नमस्ते दुनिया की सबसे छोटी वो लाइन टाइम इज गोइंग फास्ट फास्ट व्हाट हैपेंड मिलन वी आर वेटिंग विल कम यू लेटर हैसा कंटिन्यू इस प्रकार नमस्ते दुनिया की सबसे छोटी और सरल प्रार्थना कही जा सकती है जो एक ही शब्द में पूरी है थैंक यू सो मच हिसा वेरी गुड डियोन स्टार्ट फ्रॉम अर्थात द सेम पैरा अर्थात अर्थात सेकंड अर्थात हमारा पैराग्राफ अर्थात में आप में विद्यमान हो वर को प्रणाम करता है जान भारतीय संस्कृति और बोधों को अनुसार उद्योग दिवंगारी या वस्तु में ईश्वर है इसलिए सामान वाले उत्कृत में भी हम यू आर म्यूटेड एंड यू म्यूटेड यू आर म्यूटेड थैंक यू डियर डियोन थैंक यू इनफ थैंक यू ओके बच्चों कंटिन्यू करना टाइम है टाइम इज देयर प्लीज फिनिश दिस हु विल डू अलक्ष्मी प्लीज प्लीज फिनिश दिस पैराग्राफ Lakshmi, you are muted. Ma'am, from Namaste Dwara, right? Yeah, Namaste Dwara. Namaste Dwara, us vyakti ko vinamrata se vinamrata se abhivadan to karte hi hai. Saath hi usme nihit Ishwar ko bhi pranam karte hai. इस प्रकार नमस्ते दुनिया की सबसे छोटी और सरल प्रार्थना कही जा सकती है जो एक ही शब्द में पूरी है ओके थैंक यू सो मच लक्ष्मी थैंक यू सो मच थैंक यू मैम ओके नेक्स्ट क्लास में एक बार एक हमारा ये सेम पैराग्राफ एक और बार देख कर आना चाहिए ओके बच्चों ओके सेम पैराग्राफ मोर पैराग्राफ इज ओके हाउ मेनी चैप्टर्स वी फिनिश How many total? Anand, Anand, please tell me, dear, which all chapters? Which all chapters? Egg boom. Egg boom. Then
आजादी का विशेषण विशेषण एंड थैंक यू मैम।